सो मैं वॉक करके आ चुकी हूँ, मैं हो गई हूँ तैयार, अब मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। मैं निकलूँगी यहाँ से कॉलेज के लिए, शायद पहले घर जाऊँ फिर कॉलेज, या घर ना भी जाऊँ कॉलेज जाऊँ डायरेक्ट, क्योंकि काम है थोड़ा लाइब्रेरी में, बुक चेंज करनी है कुछ और भी, और क्लास लेनी है। श्रेष्ठ नहीं है, अभी मालिश नहीं कराई है। श्रेष्ठ थोड़ा खोल खोल से, श्रेष्ठ ने भी मालिश नहीं कराई है, श्रेष्ठ भी मालिश कराएगा, अभी उसने नहाया भी नहीं है, मालिश कराएगा, आपका डेड नहाएगा। थोड़ा सा गुस्से में श्रेष्ठ, पता नहीं यार, थोड़ा जल्दी उठ गया था, जल्दी नहीं 7:30 बजे कल, लेकिन 8:30 बजे उठा था। तो अभी मैं निकलूँगी यहाँ से कॉलेज के लिए, बाहर गर्मी बहुत हो रही है, हालत फिर से बिगड़ने वाली, बट जाना है आज और इसलिए जाऊँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ कब जाना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो देखती हूँ क्या पैटर्न है, क्या नहीं पता करना है मुझे। तब तक कहीं बने रही है हमारे साथ, बदनाम कुल्फी है, ये है बदनाम कुल्फी, गिरधर भैया खिला रहे हैं बदनाम कुल्फी। भैया आप अपने आप को भी देख लीजिएगा वीडियो में, बड़ी फेमस है ये बदनाम कुल्फी, टग्गू के लड्डू भी। मैं खा रही हूँ भेल पूड़ी, क्या नाम है भैया आपका? लल्लन। ये खुद भी छोले भटूरे खा रहे थे, बट अपना छोड़ के, मैंने कुछ मुझे खाना था भेल पूड़ी, तो मेरे लिए अपना छोड़ के ना, मतलब तब बना रहे हैं, तो पैसा जो ना कराए पेट जो ना कराए, तभी बना रहे हैं। आपका घर कहाँ भैया? गाजीपुर। यहाँ किराए पे रहते हैं जी, बताइए किराया भी देना पड़ता है ये 10-15 रुपए की भेल पूड़ी में, ये 15 रुपए की बनवा रही हूँ मैं, और उसमें मतलब किराया देना, बच्चों खिलाना, पढ़ाई और सब कुछ, कितना कठिन है जीवन चलाना। ये इनका छोटा सा स्टॉल ही, ये सर पे लेके चलते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, भेल पूड़ी खा ली है मैंने। आज मैं गई थी मार्केट, कॉलेज गई थी, कॉलेज के बाद फिर मैं मार्केट गई थी, एक्चुअली कॉलेज में थोड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा, सो मैं लाइब्रेरी की वैसे कल भी बिजी थी मैं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज मैं गई थी मार्केट, मैंने लिया एक ट्राईपॉड, ये कोई ट्राईपॉड लिया है मैंने, ये है 1020 mm का, आई डोंट नो कितना इसकी हाइट क्या है, बट हाइट जो बेड से है मेरे वो इतनी है यहाँ पर। और ये मैंने एक सेल्फी स्टिक परचेज किया हुआ है, जिससे कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ आज का, सो भी आसानी हो गई मुझे अब ब्लॉग शूट करने में, मतलब क्या था अभी तक ले लेके घूमना पड़ता था कि नहीं, मतलब यार मतलब प्रॉब्लम होती थी हाथ पे ले लेके फोन, अभी मैं आराम से ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ। अभी मुझे जाना है थोड़ा, नेक्स्ट मंथ मैं जा रही हूँ घूमने, कहाँ जा रही हूँ ये आपको नेक्स्ट मंथ पता चलेगा, अभी से नहीं बता सकती मैं। और ये है ग्लास जिस पर मैं वीडियो शूट करती हूँ कभी कभी शॉर्ट वीडियो, सो ये ग्रीन कलर की दीवार है, ये भी ग्रीन है और ये रेड है, जिस पर मेरी पिक्चर लगी है। सो ये मेरा मतलब मैका जहाँ मेरा बर्थ हुआ था, और मेरा जो लॉज हाउस है वो थोड़ा दूर है यहाँ से, सो मैं बस वहीं जाऊँगी। ये यार बंद कर रखी है बहुत दूर से, हाथ सब खराब हो गए। सो ट्राईपॉड कैसा लगा आपको बताइएगा, कोई अच्छा ट्राईपॉड हो तो भी बताइएगा, ठीक है। फिर मैं थोड़ा मार्केट भी गई थी, और अभी बस भेल पूड़ी खा ली मैंने, अब देखिए मैं क्या करती हूँ, शायद खाऊँगी खाना नहीं पता नहीं, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घर। घर जाके स्टेज तो यार बहुत नींद नहीं की है, मैं उससे बात कर चुकी है अभी आप सबको भी दिखाऊंगी। और हाँ मैंने आज कुल्फी भी खाई थी, बदनाम कुल्फी, ठग्गू के लड्डू फेमस है यूपी में, कानपुर में, अगर आप कभी कानपुर आए तो मैंने वहीं बदनाम कुल्फी खाई थी, बहुत टेस्टी होती है। सो कुल्फी वहाँ पे मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे वेट करके मिलती है, सो वो बड़ी सी बाल्टी में से निकालते हैं उससे लेते हैं, बहुत अच्छी थी। ओके तो मैं अभी जाऊँगी घर, बने रही हमारे साथ। आ चुकी हूँ घर, गई थी मैं वहाँ से घर से यहाँ, मैं स्टेज के लिए नए कपड़े लाई हूँ, कैसे लग रहे हैं आप सबको? बाबू हेलो बोल दो, दोस्तों से बात कर लो। तो कैसे लग रहा है आपको? ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, बहुत अच्छा कलर लगा, और मम्मी दिखाइएगा वो वाली, एक ही डेली यूज़ की टी शर्ट लाई मैं, वो इतनी अच्छी तो नहीं है डेली यूज़ में क्या, बट ये वाला ड्रेस मेरे को बहुत पसंद आया, ये वाला सूट बाबू का, अभी और भी लाई हूँ, जैसे ही पहनेगा तब दिखाती हूँ। मैं श्रेष्ठ के लिए ये वाला ड्रेस लाई हूँ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है श्रेष्ठ? श्रेष्ठ इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है मेरा, लेकिन ये अच्छे, खड़े हो जाओ बाबू, ये अच्छे कपड़े हैं, काफ़ी अच्छा लाई हूँ मैं, ये कलर इसके लिए, बट पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, तो ये कपड़े लाई थी मैं श्रेष्ठ के लिए, अब देखिए थक गई हूँ,
थोड़ा आराम करूंगी फिर चाय बनाऊंगी या क्या करूं पता नहीं, अभी तो लेटूंगी यार। बहुत बहुत धूप और गर्मी होती। श्रेष्ठ बात दोस्तों किस्ती दे दो जरा, हेयर स्टाइल तो लड़कियों जैसी बना रखी है, किस्ती दे दो दोस्तों को, कभी नहीं कुछ देता। चलो बाय कर दो, ठीक है मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ फिर आप सबसे मिलती। बहुत हेक्टिक डे होता है आजकल, कल भी हेक्टिक था आज। हेलो गाइस, मैंने आपको श्रेष्ठ के कपड़े दिखाए थे, मैं लाई थी जो, उसके बाद से मैं दिख रहा होगा आप सबको क्या कर रही हूँ, लेट गई ये हॉट वाटर लेके। मेरे पेट में भाई जो दर्द हो रहा है ना, बहुत बुरा वाला पेन हो रहा है मेरे पेट में बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, डोसा, बताशे, चाय, भेल पूड़ी, सब एकदम पूछने को तैयार है कि और मैडम और खाओगी। भाई बहुत दर्द हो रहा है पेट में यार, मतलब ऐसा पेन हो रहा है, पहले भी लीवर में सूजन आ चुकी है मेरे, मतलब बाहर का स्ट्रिक्टली मुझे मना है खाने के लिए बट नो कंट्रोल। देखो खाना बनवाया है, मूंग की दाल बनी है, तो मैं खाती हूँ या नहीं अभी तो पता भी नहीं, कुछ खाती हूँ कि नहीं पता नहीं। और आज का ब्लॉग में अभी तो कुछ भी नहीं शूट कर पाई बिकॉज दर्द बहुत बुरा है शाम से। देखिए मैं खाना खाती हूँ क्या, अगर जो भी करती हूँ बताती हूँ आपको, पहले मैं पेट को रिलैक्स दे लूँ फिर मिलती हूँ आप। गाइस मैंने आपको बताया था मुझे हो रहा था पेट दर्द, जो कि मैं ये हॉट बॉटल से सेक रही थी पेट को, बट पेट में कोई रिलैक्स नहीं मिला है, पेट में कोई आराम नहीं मिला है, ये सारा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या पता क्या हो गया, गैस का इशू है, कब्ज है, क्या है आई डोंट नो। सो यार आज के ब्लॉग को बस मैं यही एंड करती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा वॉक करूँगी, वॉक करके फिर आराम करूँगी। अगर आपको कुछ भी लगता है कि पेट में दर्द हो जाए एकदम से तो क्या करना चाहिए तो प्लीज़ बता दो मेरे को, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। बस ऐसा लग रहा है भाई नींद आ जाए मेरे को आज रात, नींद आना बहुत ज़रूरी नहीं है तो बहुत दिक्कत, नींद आ जाएगी सो जाऊंगी तो मैं भी सुबह तक रिलैक्स हो जाए। बट हाँ ये तो यार जैसे ही ठीक हो जाता है वैसे ही हम फिर से भूल जाते हैं कि नहीं क्या करना है, अभी पेट में दिक्कत है काफ़ी, तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो रही है। सो आज के ब्लॉग को बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगर कोई गलती हो तो उसके लिए यार आई एम सॉरी, और कुछ बता देना अगर कुछ कमी रहती है ब्लॉग में, कुछ लगता है आपको तो प्लीज़ मेरे को बताइए, ओके। सो अभी मैं जा रही हूँ आराम करने थोड़ा वॉक करके, तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर, ख्याल रखिए। बाहर का चाइनीज़ फास्ट फूड ये सब चीज़ें भैया मत खाओ, क्योंकि बाद में ही जवाब मांगती हैं आपसे कि और खाएंगे आप, जस्ट लाइक मी। हाल ऐसा हो रहा ना कि इस वक्त कोई 56 भोग भी लाएगा ना एकदम फर्स्ट क्लास मोमोज लाएगा VIP, वो भी नहीं खा रही मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा। तो ठीक है, गुड नाइट, ख्याल रखिए आप सब अपना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सबके साथ में। बताओ यार बताओ कि शिरा के पेट के दर्द में क्या करे वो ना। तो ठीक है फिर मिलते हैं तब तक के लिए आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक सपोर्ट करिए हमें, हमें आपके बहुत सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि वाजपेयी फैमिली ब्लॉग को भैया सपोर्ट करते रहिए ना, बहुत ज़रूरत है हमें आप सबकी।